बचपन में वो अखबार के दरबारी कवि माने जाते थे और रहीम जी को अखबार के नौ रत्नों में से एक थे ऐसा माना जाता है। रहीम जी ने अरबी, फारसी, संस्कृत, हिंदी में जानकर नीति पर दोहे की रचनाएं की है। इनके दोहों की विशेषता यह है कि इन्होंने सब दृष्टांत बहुत ही सहज और सरल भाव में हमारे सामने दोहों को प्रस्तुत किया हुआ है। देखते हैं हमारा पद्य दोहे जिनके कवि है रहीम जी। रहीमत धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ परिचाए। रहीम जी बता रहे हैं कि प्रेम का धागा जो है वो मत तोड़ो, चटकाए, चटकार यानी चटके से खींच कर। कहते हैं कि अपने मन के दुखों को मन में ही छिपाकर
कि इस दुनिया में दुख में साथ निभाने वाले लोग जो है वो बहुत ही ज्यादा कम है। रहीम जी क्या कहते हैं? रहीम जी कहते हैं हमें यदि किसी बात के भी दुख है तो हर किसी के सामने हमें जताना नहीं है, हमें बताना नहीं है। हम अपनी पीड़ा को सबके सामने व्यक्त करेंगे तो हम खुद हंसी के पात्र बन जाएंगे और मैं मुझे ऐसा दुख है, मुझे यह है, मुझे वह है, ऐसा कहते रहेंगे तो लोग जो है वो हमारा परिहास ही करेंगे। क्योंकि रहीम जी कहते हैं कि इस दुनिया में दुखों में साथ देने वाले व्यक्तियों की संख्या जो है वो बहुत ही कम है। एक साथी सब सधे, सब साथी सब जान। रतिवन मूल की सिंची को फूले फले अकार। यहाँ पे रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष की जड़ को खींचने से पूरा वृक्ष फूलता फलता है, यानी कि हम वृक्ष को सींचते हैं तो वह बड़ा होता है, फूलता फलता है। उसी प्रकार मनुष्य को किसी एक क्षेत्र में ही कुशलता को हासिल करने के लिए अभ्यास करते रहना चाहिए। वो यदि सभी क्षेत्रों में कुशलता पाने की कोशिश करेगा, इसी अंधाधुंध दौड़ में दौड़ेगा तो वो सभी क्षेत्रों में कुशल नहीं होगा, तो उसे ऐसी दौड़ लगानी नहीं चाहिए। सब तरफ ध्यान लगाने से व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में कुशलता प्राप्त करता नहीं दिखाई देगा, वो हर क्षेत्र में कुशलता प्राप्त नहीं कर सकेगा। यहाँ पे रहीम जी कहते हैं जिस प्रकार वृक्ष को सींच कर फूलता है फलता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी हर क्षेत्र में कुशलता हासिल करने को अभ्यास करना चाहिए। सभी क्षेत्रों में कुशलता पाने के लिए अंधाधुंध दौड़ नहीं लगानी चाहिए। सब तरफ ध्यान लगाने से व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में कुशलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। यहाँ पे बच्चों रहीम जी एक और अर्थ भी हमें बता रहे थे। रहीम जी कहते थे कि हमें एक ही देवी देवताओं को अपना आराध्य मानकर पूजना चाहिए। चित्रकूट में रवि रहे रघुवन अवध नरेश। जहाँ पर विपदा पड़त है सो आव यह देश। यहाँ पे रहीम दास जी है वो कह रहे हैं, इस दोहे में रहीम दास जी चित्रकूट का वर्णन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अवध प्रांत में राजा श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास मिला था तो वह चित्रकूट में आकर रहे थे, जिससे चित्रकूट में आकर उन्हें बहुत शांति मिली थी। कवि कहते हैं कि चित्रकूट की महिमा अवर्णनीय है, इसकी महिमा अनोखी है। और कहते हैं कि जिस पर भी यदि विपत्ति आए तो वह चित्रकूट में आकर शांति पाता है। विरह दोहा अर्थ के आखर थोड़े आगे, जो रहीम नट कुंडली सिमिट कुदी चली जाए। आखर यानी अक्षर। यहाँ पे रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार नट कुंडली विद्या में निपुण है, विरह दोहा अर्थ के आखर थोड़े आगे, जो ही रहीम नट
कारण ही वह उछल कूद कर ऊपर चढ़ जाते हैं। उसी प्रकार दोहा जो है वह काव्य का छोटा रूप है, जिसमें शब्द तो थोड़े होते हैं पर किंतु उनका अर्थ जो है वह गहन होता है। उनका अर्थ जो होता है दीर्घ होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि शब्द थोड़े होने पर भी भाव और विचार जो है वह गहरे होते हैं। यहाँ पे रहीम जी थोड़े में बहुत कुछ गागर में सागर कर देने की बात करते हैं।
क्षेत्र में कुशलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। चौथे दोहे में रहीम जी कहते हैं कि यहाँ पे जब राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था तब राम जो है वो चित्रकूट में आकर बसे थे। चित्रकूट की महिमा का वर्णन यहाँ भी किया है और चित्रकूट में आकर ही राम को शांति मिली थी। तो कवि कहते हैं कि विपत्ति में यदि किसी पे भी विपत्ति आती है तो वह चित्रकूट में आकर शांति पाता है। और रहीमदास जी पांचवें दोहे में कहते हैं कि जिस प्रकार नदी जो है वो कुंडली विद्या में निपुण है, वो अपने शरीर को गोल करके गोलाकार लिंग में से कैसे पसार हो जाते हैं क्योंकि उसे वो विद्या प्राप्त है। तो रहीम जी कहते हैं कि नट जो है वो कुंडली विद्या में निपुण होने के कारण वो उछल कर ऊपर चढ़ सकते हैं और लिंग में से पसार हो सकते हैं। उसी प्रकार दोहा भी काव्य का छोटा रूप है जिसमें शब्द तो थोड़े हैं पर उनका अर्थ जो है वो दीर्घ होता है। कहने का भाव यह है कि शब्द थोड़े होने पर भी उनका विचार जो है उनका भाव जो है वो बहुत ही गहरा है। और छठे दोहों में रहीमदास जी कहते हैं कि वह कीचड़ भला है और धन्य है क्योंकि छोटे प्राणियों को भी प्यास वहां हो जाता है। पानी का विशाल भंडार जो समुद्र को माना जाता है वह खारे होने के कारण व्यक्तियों या प्राणियों की प्यास बुझा नहीं सकता। कहने का भाव यह है कि मनुष्य चाहे छोटे कार्य ही करें परंतु